राहुल सर, बाजार के अंदर में एक रेंज के अंदर में ही काम हो रहा है। अभी रेंज कहीं टूटती हुई दिख रही है, या हम मान के चलें कि अभी कुछ समय हम ऐसे ही बिताने वाले हैं? सर, लास्ट थर्सडे जब मैं आपके शो पे आया था तो अपने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सपायरी के दिन जो मूवमेंट्स होती हैं वो जनरली डिसाइसिव नहीं होती हैं। और उस समय मैंने आपको तो याद होगा, मैंने कहा था कि निफ्टी जो है वो जो गिर रहा था वो लग रहा है कि इट्स अ फॉल्स मूव। और उसके बाद आप देखिए, 400 पॉइंट का निफ्टी ने हमें रैली दिया और 18,200 तक, फ्यूचर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 18,200 तक गया। और फिर कल से हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी सी मंदी 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 हो रही है निफ्टी में। तो आज का जो मूवमेंट हुआ है सुबह से, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज और कल ये निफ्टी जो है वो नीचे जा सकता है। और अभी जैसे 18,145 चल रहा है निफ्टी फ्यूचर्स में, तो मेरा मानना है कि ये एक शॉर्ट अभी तो लग रहा है कि ये शॉर्ट करना चाहिए और ये 18,000 तक नीचे जा सकता है, 18,000 निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स। तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं निकल रही है इस समय, वही रेंज के अपर लेवल्स पे हम यहाँ से रेंज के अंदर में शॉर्टिंग कर सकते हैं निचले लेवल्स के लिए। हाँ सर, ये जो लेवल है ये यहाँ पे क्या है कि बहुत जोर से पुट्स जो हैं, जो हम लोग ऑप्शंस में पुट्स का काफी बाई किया गया है। और इसमें क्या है कि 18,145 अभी चल रहा है निफ्टी फ्यूचर्स। मेरा मानना है कि ये यहाँ से गिर सकता है। आज इंट्राडे में तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट के हिसाब से ही चल रहे हैं और 18,150 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट करके, और इसका जो टारगेट बनता है वो बन रहा है 18,000। पहला टारगेट आ रहा है 18,050 का, और फिर ने सेकंड टारगेट आ रहा है 18,010 का। जी, तो ये है शॉर्ट टर्म में लेवल जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं राहुल सर कि ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म बिकवाली की राय है। सर, क्या इसी तरीके की राय बैंक निफ्टी में भी होगी? बैंक निफ्टी फ्यूचर अभी चल रहा है 42,380। और जैसे कि हम लोग बैंक बैंक निफ्टी को, यदि निफ्टी गिरती है तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी मंदी आएगी और मंदी लग भी रही है आज। बट क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहा है तो हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने से अवॉइड करते हैं। तब तक इसको शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक कि ये 41,500 डिसाइसिवली नहीं तोड़ता है। तब तक क्या है कि इसमें, जैसे मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जब इंडिविजुअल बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं उसमें हम लोग जो गिरावट होती है तो हम लोग उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खोज करके उन अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खरीदने की सोचते हैं। बट फिलहाल बैंक निफ्टी एक अवॉइड रहेगा, अभी बैंक निफ्टी में अभी कोई कोई कॉल नहीं है फिलहाल। जी, तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई कॉल नहीं है, नोटेड जोन। निफ्टी के अंदर में अपॉर्चुनिटी वो बता दिया, लेवल्स आपको बता दिए, शॉर्ट टर्म की राय उस तरीके से काम कर सकते हैं। सर, जो निफ्टी का जो जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है उसमें इवन जो जो बाहर की जो डेटा है, मैक्रो डेटा काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, बट उसके बावजूद जो है वो ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से वीक लग रहे हैं आज सुबह से। और स्पेशली जो बैंक ऑफ जापान का जो येन है, येन की जो करेंसी है वो आज डॉलर के कंपेयर में स्ट्रांग होता जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ग्लोबल मार्केट्स। और ये हम लोग देख रहे हैं, ये नवंबर दिसंबर से ये जो ट्रेंड है येन का डॉलर के कंपेयर में ऊपर जा रहा है। और ये पास्ट में हम लोगों ने देखा है कि जब जब येन स्ट्रांग हुआ है डॉलर के कंपेयर में, तब तब ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा फॉल आया है। तो अभी मेरा बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट एटलीस्ट आज और कल के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट्स जो है वो वीक रहेंगे। तो अभी वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी आप रखना चाहिए। और तो वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रहेगा, और इंट्राडे और कल तक, कल के लिए मैं निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बना के चल रहा हूँ। जी ठीक है, तो ये है शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में और बाकी जगह फिलहाल बाजार के अंदर में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी के साथ में काम करते हुए। ठीक है।